ये हंसते खेलते चिरे यहाँ रह जाएंगे और आपका मनी दुनिया छोड़ के चला जाएगा। नहीं मैंने बहुत ज्यादा लगता है कंट्रोल कंट्रोल। देखो जी ये लोग भी लोग बनाते हैं रोज और इनको बड़ी टाइमिंग होती है। हम मॉल जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हम मूवी देखने जा रहे हैं। आज मेरी मूवी लगी है ड्रीम गर्ल 2 और सब इधर उधर पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनको है ही नहीं कि अगर मेरा सीन निकल गया कौन जिम्मेदार है। नहीं नहीं पापा आपके लिए तैयार हो रहे हैं। खुशी मुझे है। देखो घंटे पहले फ्री नहीं जा रहे, पापा बाउंसर बन के जा रहे। देखो ब्लैक कपड़े पहने हुए सबने यार, तो घर पे सभी ने ब्लैक कपड़े पहने हैं। अब देखते हैं टीटू भाई ने क्या पहना है। लो टीटू भाई तुम भी ब्लैक कपड़े पाए यार। मुझे लगता है हमें चेंज करने पड़ने हैं क्योंकि वो देखो पापा ने मम्मा ने शिखा ने। चलो चेंज करके आता हूँ मैं। तो फाइनली चेंज कर लिया मैंने कपड़े साक्षी, नहीं तो आज ऐसा लग रहा सारे बाउंसर बड़े हैं घर पे। ब्लैक कपड़े ब्लैक कपड़े ब्लैक कपड़े। हाँ मैं तो पहले ही अलग डाल के आई, मुझे पता था सबने ब्लैक डाल लेने आज। तू रात को ले ओ दे। हाँ जी आगे कर दे रहे हो जाते जाते हम रेडी जाते। मैं खाना खाना तो खाना तो खाना नहीं तो लस्सी पी लेते हैं जब फिल्म देखेंगे ना उधर कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का। ठीक है चार बंदे। हाँ मैंने कहा जो बोले वही कुंडा खोले। अगर तू नहीं जाता ना तो हम सब ने नहीं जाना था। क्यों? क्योंकि इतने लोग ऑटो में तो आएंगे नहीं। अंदर जाके खाना क्या है वो हमारा आ गया। हम दोनों का आपने कुछ ऑर्डर नहीं किया। ऑर्डर नहीं किया था आपने? ये तो पीटू भाई और मैं ही खा जाएंगे। आ गया आ गया। ऐसा लग रहा है ये सच में हमारा ही है पता आपको, पर मेरा नाम ऐड कर लो बीच में। ओके। ये मैं और आप शेयर करेंगे ये टीटू भाजी का। प्रॉब्लम ये है कि आप जूठा नहीं खाते एक दूसरे का। मुझे ये डर है कहीं मैं इसका जूठा खा के बेसुरा ना हो जाऊं। कहती ये बड़ी इसकी प्रॉब्लम है जैसे ये तो खा ही लेती है ना। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को छोटे छोटे कंपाउंडर दिए हैं। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं घर पे और मैंने कभी शेयर नहीं किया अपने यूट्यूब चैनल पे कि आपने कभी नोट किया होगा मेरी वीडियोस में एक आवाज़ आती है ये वाली है शिखा आती है ना। आती है तो उसका इस चक्कर में काफ़ी वीडियोस खराब थी। हाँ मैं वीडियो डालता नहीं थी बनाता भी नहीं था, मैं इसीलिए वीडियो बना भी नहीं पाता जैसे बाकी यूट्यूबर बना लेते हैं वीडियोस, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और आप लोग ये भी बोलते हो ना कि आप कभी टूर क्यों नहीं निकालते कि दूर दूर जाओ है ना, तो मेन आज मैं उसकी प्रॉब्लम बताता हूँ कि जब मैं हाइट पे जाता हूँ ना मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। बड़ी सिंपथी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंपथी ले रहे हैं। मैं इसलिए घूमता नहीं, मैं पिज्जा इसलिए नहीं खाता, पेट में दर्द होता है, पिज्जा बर्गर नहीं खा सकता। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी मतलब सच्ची में मेरे को कई बार हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ा, फिर मैंने इसी का ऑपरेशन भी करवाया था जिसकी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मतलब मेरे नाक से इतना खून निकलता था। नहीं यार यार पता क्या चक्कर है, उन सबको पता लगना चाहिए कि मैं कौन कौन से दर्द से निकला, मैंने कभी बताया नहीं। फिलहाल तो मेरे 4 दिन से मेरी प्रॉब्लम, मैंने अभी अपनी प्रॉब्लम बताई ये अपना सरदर्द लेके बैठ गई यार। और अब एंड क्यों बता रहा हूँ, मैंने करवाया था दोस्तों ऑपरेशन, पर ऑपरेशन के बाद भी मेरी तबीयत में कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा। वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था, सिंपली गेन नहीं कर रहा था मैं, वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपकी ये सांस लेने में प्रॉब्लम, मेरी नाक के अंदर मांस बड़ा हुआ है कहते है ना, स्वेलिंग है उसकी वजह से मुझे सांस नहीं ली जाती, तो गैप कम है, सांस नहीं ले पाता मैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं टूर भी नहीं निकालता कहीं। वैसे ये प्रॉब्लम शुरू पता कब हुई थी? जब हम दुबई से वापस आए। जब मैं दुबई से आया पता नहीं वहाँ कितनी साफ सफाई में रहा, आते ही मतलब मेरे को घबराहट होनी शुरू हो गई, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं बाहर का टूर ही नहीं निकालता। उसके बाद कभी गया? मैं नहीं गया। और मेन अब मेन यार बात रह जाती है बीच में यार, ऑपरेशन करवाने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। अब मैंने शुरू किया होम्योपैथिक दवाई, ये वाली
और अभी थोड़ी देर में के बाद हम दिखाएंगे कैसे यूज करते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा कि इससे बंदा ठीक हो जाता है या हो जाऊंगा, मैं जब होऊंगा तो मैं बताऊंगा, पर मैं ये बताना चाहता हूँ ऑपरेशन करने के बाद भी ये प्रॉब्लम आती आती है। पानी पी लो थोड़ा सा, दवाई है आराम से। अब प्रॉब्लम कैसी आती पता बताऊं, अगर आपको किसी को है प्रॉब्लम ये वाली, ये ऐसे अब तो आपसे वो भी नहीं हो रही ना, फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है वैसे रहा। तो दोस्तों ऑपरेशन तो करवाने से पहले 100 बार सोचा करो, मम्मा आपने कोई बतानी है दवाई ले ले। तो अभी देखना एक मेडिसिन मेरे नाक में जाएगी, देखना कितनी प्रॉब्लम होती मुझे। मैं देख ही रही हूँ मणि तुम्हें कब से, नहीं पता क्यों। जितनी चलो साक्षी वोट नाक में डाल दे भाई यार, मणि उनको भी थोड़ी सांस आने दे। और ये प्रॉब्लम मैं आज बताता हूँ, साक्षी आज बता ही दे यार सारी बातें खुल के बता दे। मैं गोवा गया था साक्षी के साथ, तो क्या हाल हुआ था वो बता देगा। गर्मी बहुत थी वहाँ पे, हम अप्रैल में गए थे, बहुत ज्यादा गर्मी, हम एक्टिवा पे घूमे बहुत ज्यादा। और मेन प्रॉब्लम नहीं बता रही यार, अपने घुमो घुमाई करी जा रही है, पहले बताना तो है ना कि घूमने भी गए थे। हाँ। तो वहाँ पे एक्टिवा पे घूमे और गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से मणि के नाक से खून बहुत ज्यादा निकला, बहुत ज्यादा, दो दिन लगातार। हाँ। ये वाली प्रॉब्लम वहाँ पे भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, एडमिट करना पड़ा था, इतना सेंसिटिव हूँ मैं, बहुत सेंसिटिव है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो बस सामने से ना वो देख रही हूँ दोनों को, मूवी देख रही हूँ मूवी। नहीं नहीं बता रहा हूँ यार प्रॉब्लम कहाँ तक रही आपके मणि को, आपके मणि को, ओह माय गॉड मणि। ये देखो ऐसे आधे से ज्यादा सांस लेनी इसने मुश्किल की हुई है मेरी, तो आप गर्दन ही ला भी नहीं सकते थे। अब मुझे समझ आया ये शादी के बाद आई है प्रॉब्लम सारी मुझे। नाक से खून निकल आता था इतना ज्यादा। एक दिन दोस्तों ऐसा आया था, शिखा को पता नहीं याद है या नहीं, जब मुझे लगा था मैं मरने वाला, याद है यहाँ बैठा ऑपरेशन के बाद की बात है, कुछ सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा ये हंसते खेलते चेहरे यहाँ रह जाएंगे और आपका मणि दुनिया छोड़ के चला जाएगा। चल वैसे ही एक फुटेज क्वीन होती है ना, फुटेज किंग होता है वो। और चले यार जो भी है, पर मेरे मुंह से निकला था ना उस वक्त कि मुझे लगा कि मैं जाने लगा हूँ दुनिया से, मैं दुनिया छोड़ के जाने लगा हूँ दोस्तों। तो कुछ लगा था ना, लगा था या नहीं लगा था वो बता। क्या हाल हुआ था बता, अपनी तबीयत खराब बतानी है, मेरा जो हाल हुआ वो देखो। आपका तो वो है ना जो पास्ट में बीत चुका है यार, आज मैं बीमार हूँ ये ना हो कि मेरी बात सुन, तुम्हें लगा होगा कि कैमरा इसकी तरफ है, ये वाइड एंगल जो तूने इतना बड़ा मुंह खोल के वासी लिया ना वो सारा नजर आया। वाइड एंगल है यार, मम्मा इधर आओ, मम्मा मम्मा ओए मम्मा अंदर ओए, एक तो आवाज इतनी मम्मी नाल ही आ गए, आए लेके कहां जा रहे हो मम्मा इधर आओ। सच्ची बताओ जब मेरी तबीयत खराब हुई थी आपको याद है वो दिन कितना बुरा हाल हुआ था, नाक से खून निकलना। किस दिन? ओ जाओ यार ये माँ साक्षी माँ को तो याद ही नहीं है कभी किस दिन इधर हुआ था उधर भी हुआ था। हाँ पर मुझे उस दिन सच्ची में आप सबको बताना चाहता हूँ, मुझे उस वक्त ये लगा था कि मैं जाने लगा हूँ, टाटा बाय बाय। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और सीन हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, वो भी हमने वीडियो में नहीं डाला, हम इसी वीडियो में लगा देते हैं। अगर मनी सिंपथी ले ही रहे हैं तो वो भी सिंपथी इसी में डाल रहे हैं, जो हमने उधर रूम में बैठ के आपका वो रात का वो ऊपर का सीन सुनाया था मम्मा और शिखा को, वो देख लो आप पहले। ये देख लिया हमारे सब्सक्राइबर ने, ये शिक्षा दी है मम्मा, लोगों को लगता है कि यार लैरी साहब की फैमिली इतनी तमीज वाली, इतनी अच्छी फैमिली, ऐसी फैमिली सबको मिले, ये वाली फैमिली बोलते हो यार आप। एक सेकंड रुको, तो चलो वैसे मैंने कैमरा इसलिए ऑन नहीं किया, एक बात शेयर करने के लिए किया था मम्मा। इधर आओ, आपको किसी को नहीं बताया मैंने, अचानक मुझे ये बात याद आई, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। रात को मुझे भगवान लेने आए थे। क्या? हाँ जी, अब सारी बात साक्षी बताएगी। हुआ ये है कि मनी रात को ऊपर आए जब, अच्छा। तो आके ना खड़े थे तो ऐसे ऐसे करके देखी जाए, ऐसे ऐसे करके ना साइड पे अपने इधर कभी इधर देखे, मैंने क्या हुआ है कुछ नहीं, भाग के चलांग मारी बेड पे लेट के, मेरे को भगवान लेने आ गए, मेरे को भगवान लेने, मैं हुआ क्या है, मुझे लाइटें दिख रही है इधर,
मुझे इधर लाइटें दिख रही, मैं कहा वैसे ही आपने लाइट की तरफ देख लिया होगा इस वजह से दिख रही होता ना एक बार कि फिर वैसे गोल गोल लाइटें दिखनी शुरू हो जाती, मैंने कहा ऐसा हुआ होगा, नहीं नहीं कहते कुछ नहीं, फिर बेड पे बैठ गए, फिर बेड पे बैठ के कहते ये फिर ऐसे देखी जाए आंखों घुमा के, कहते मुझे बेड की तरफ इधर भी रोशनी है देख, है ना मेरे कहा नहीं है रोशनी कोई भी नहीं है, तो मैं कहा आप दो मिनट आंखें बंद करो अभी ठीक हो जाएगा, नहीं 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 भगवान आगे ले लो, मैं कहा नहीं घुमाओ कुछ भी, मैं कहा मम्मा को बुलाओ मैंने मम्मा को मिलना है, मेरी आंखें हो गई खराब, फिर तो ये वो वाला टॉपिक भूल गया कि भगवान लेने आए हैं, फिर कहते मेरी आंखें खराब हो गई है मुझे, इधर की चीजें इधर दिख रही है, मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं दो मिनट रुको, मैंने क्या किया ऐसे करके, मैंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद की मैंने ऐसे करके पूरा साफ किया, मैं कहा अब खोलो, कहते हाँ, मैं कहा अब दिख रहा कुछ, कहते नहीं वो कई बार पलकों पे कुछ लग नहीं जाता चीज, तो ऐसा लगता कुछ दिख रहा, तो मुंह साफ नहीं करने दे रहे थे, तो फिर मैंने खुद ही किया, कई बार राइट राइट कुछ लग जाता ना वो सारा चेंज हो जाता सिस्टम, ये इन्होंने हाल किया रात, ठीक है वाह, रात को ये मेरे लिए देवी माँ बन गई थी, आंखें बंद कर बच्चा, असल में ऐसा क्यों फील हो रहा, मैं पूरा दिन यही भर्ती कर रहा था ना तेरे साथ, शिखा मेरा मन करता मैं चला जाऊं दुनिया से यार, बहुत जी गया यार, कितनी देर से मैं इस धरती पे हूँ, सुबह ये बाकी रात को मुझे, इसलिए ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। फिर आपको पता चल गया था कि ऐसी बातें नहीं बोलते हैं। इसको पूछ मैंने कंबल ऐसे ले बेटा, अब कैसे लोए के लोगे भगवान जी? हैं अब कैसे? ये नहीं पता यार। अच्छा उनको चैलेंज। तो दोस्तों ये इतना कुछ मेरे साथ हादसे हुए, मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किए, बाकी यूट्यूबर की तरह जो दिन की पूरी दिनचर्या दिखाते हैं, है ना, मेरा मन होता था कि चलो यार खुशी खुशी वाले व्लॉग देखो, आप हमें देखते हो हंसी खेलने में, अगर मैं रोज आपको दिखा दूं आज मेरा नाक ऑपरेशन है, मेरी टांग का ऑपरेशन है, माने ध्यान दे माने कि व्लॉगिंग से ना पहले की बात है, इतनी फुटेज ना लो, तब व्लॉग नहीं लगा था मैं, अच्छा नहीं तो आप कम नहीं हो, आपने सबसे पहले बनाना था, उसके पहले आपने तब बनाता था तो इसने बनाना था, अच्छा तब व्लॉगिंग नहीं करता था, माने ना हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के बैठा गाइस, मैं क्या बहुत मुश्किलों से गुजर रहा हूं, मेरी जो हालत है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो मैं भी थोड़ी सी चाय पी तो जा नहीं रही, मम्मा सफाई कर रही है, मम्मा क्या हुआ, आप सिंपथी गेन करना चाहते हो कि मेरी बहू मुझे कितना दुखी करती है, नहीं ये घुमा घुमा के किधर लेके जा रही, सोफे वाले ने आना नहीं, दो दिन वाले थोड़ी सेटिंग बदल ली है, सोफे वाले ने कर लो, अच्छा चलो यार छोड़ो यार, और कोई बात बताओ जिससे मैं सिंपथी गेन करूँ, बताओ बात करते करते नाक से खून बाहर आ जाता था, बस फर्क ये था फिल्मों में हीरोइन बोलती है आपके नाक से खून आ रहा है मुझे बस ये बोलती, और ये मेरे नाक से खून निकलना इतना नॉर्मल हो गया था, फिर रिएक्ट नहीं होता था, बस ऐसा बोलना टिश्यू दे देना मन ये साफ कर लेना, अच्छा हाँ और क्या गोवा में ऐसा ही हुआ, अच्छा तो दोस्तों मैं तो अजे तक भी आनी पी हूँ, मैं बड़े तरीके पता क्या है मुसीबतें होती है ना वो कभी भी आती है कभी भी जाती है, हाँ जी देखो मुसीबतें कभी भी आती हैं, जब मुसीबत ना हो तो किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको लानते नहीं डालने चाहिए, कभी फिर से दोबारा जरूरत पड़ सकती है, मतलब मेरे नाक से फिर कौन आ सकता बात, कुछ भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है किसी को भी, पर वो बात छोड़ यार तू मेरी और कोई बात बता यार, दस यार कोई गल याद करा और की होया, मैंने बस कोई बात है, तो दोस्तों सच्ची बताना आपके मन में आज दिल रोया है ना आपका, आज रोया है ना सच्ची में, नहीं मैंने उनकी हंसी नहीं करी बहुत ज्यादा, सच्ची बहुत ज्यादा हंस रहे होंगे देखना क्योंकि तुम्हारी शक्ल से पता चल जाता है, उनकी हंसी निकले निकले आपकी शक्लों से मुझे पता लग रहा है कि आपको कभी दुख नहीं आया, तो चलो दोस्तों आप बता रहे हो ना कि मैं ऐसे सांस लेने की आवाज आती है, किसी को ऐसे नहीं लगता था, सबको ये लगता था आपको कोल्ड हुआ है, हाँ मैंने किसी को नहीं बताया था, मुझे कोई पूछता भी था ना वीडियो में, ऐसे लगता था कि आपको कोल्ड है, हाँ, तो मैं बोलता था कोल्ड कोल्ड है मुझे है ना, मैं बताता नहीं था ऐसा ना, मुझे ऐसा लगता था कि यार लोगों को ये ना लगे, मुझे ना मैं पता क्यों नहीं बताता था, मुझे ये होता था कि ये ना हो कि मेरा कहीं रिश्ता ही ना हो, फिर अचानक से मुझे याद आया मणिपुर तो शादीशुदा है, तू तो बता सकता है ये बात, तो सोचा आज मैं बता ही देता हूँ आपको कि मैं किन किन मुसीबतों से गुजरा हूँ, तो चलो दोस्तों मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक मैं कोई और मुसीबत याद करता हूँ, तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था मैं किन किन हालातों से निकला हूँ उसका थोड़ा सा नमूना आपको दिखाता हूँ, आज ये वाला नहीं, ये मेडिसिन कैसे देखो
चिट्ठियां निकलती हैं मेडिसिन जब डालो नाक में। शिखा को पकड़ा दे मोबाइल, ये मेरा ये था ना, मेरी टांगे नहीं आनी चाहिए। चलो आ जाए, कोई बात नहीं, अभी ग्लैमर ही होता है। अच्छा देखो, कहा था ना कितनी मुश्किल आती है। अगर आप ऊपर हो तो ड्रॉप्स डालने का कोई फायदा नहीं, फिर ऐसे ही रहना। थोड़ा बताओ ना, डॉक्टर ने क्या बोला, चार चार बूंदे डालनी है, जिस तरफ ज्यादा लगेगी उस तरफ बाद में चार रहने देना, बाद दूसरी साइड दो कर देना। पर इन्होंने कल इनको दोनों साइड डाली मैंने चार चार, इनको दोनों साइड ही समझ नहीं लगा कि किधर ज्यादा लगे। आज बता दे, ये देखो इधर नाक खोलना था ना, ऐसे खोल देता मैं। टैलेंट है भाई, टैलेंट। ये देखो मेरा नोजी डांस करे मैंने, ये तो मैं और शिखा अपना टैलेंट दिखा चुके हैं। मैंने ज़ूम कर लेना। वाह, आग गई है। एक गई है, दो, तीन, चार। उठना नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होती इससे। इससे नहीं लगती है। अच्छा लगता है, मैंने बहुत ज़्यादा लगता है। कंट्रोल। उठना नहीं, बैकग्राउंड पे कुछ सैड म्यूजिक लगा देना। गाइस ये एडिट करना, गाइस ये सीन नहीं नहीं मैं क्या बोल रही हूं, इधर लगा कितना, बहुत ज्यादा। अब इधर चेक करना, और गई है ए, और गई है दो, अभी तो दो ही डाली है मैंने। अच्छा नहीं, प्रॉब्लम बर्दाश्त करो, ठीक भी हो जाओ बच्चे। इस साइड ज्यादा हो गई ना, मैंने तुम्हारी लेग्स आ रही हैं, थोड़ी नीचे कर लो। सांस लेने कितनी मुश्किल होती है, आंखों में भी पानी आ गया। कल भी आया था। थोड़ा मनी ज़ूम कर लेना आंखें, ठीक है। बाहर टेबल पे कढ़ाई पी रखो, मेरे मुंह में भी पानी आया। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है तब तक मैं ठीक हो जाऊं। पर 6 महीने कितनी देर का कोर्स है, डेढ़ महीने का। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो के नीचे लिख देना आप गेट वेल सून। और bye. और तुम वीडियो के कैप्शन में लिखता सिंपथी भरा ब्लॉग।